टॉपिक एनवायरमेंटल एक्ट्स जो इंडिया में बेसिकली जितने भी लॉज है, लेजिस्लेशंस है, एनवायरमेंट रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा स्टार्ट करें तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाए कि एनवायरमेंटल लॉज कैसे आ गए इंडिया में। तो आपको पता है 1947 से पहले इंडिया में ब्रिटिश रूल था, तो मोस्ट ऑफ जो लॉज थे एनवायरमेंटल लॉज या और भी जो लॉज थे वो ब्रिटिश ओरिजिन लॉज थे, मतलब वो ब्रिटिशर्स ने दिए थे। तो कुछ कुछ लॉज अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1927, तो ये अभी भी है। तो इसका फिर एनवायरमेंट एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 आया था। कुछ कुछ लॉज चेंज हुए हैं बट कुछ लॉज अभी भी एग्जिस्टिंग है। तो पहला जो मतलब ब्रेक थ्रू हुआ था एनवायरनमेंट पे, जो अर्थ समिट हुई थी 1972 5 जून, जिसपे हम बेसिकली जो है जिसके बेस पे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट टाइम जो हिस्ट्री में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया 5 जून 1972 में। ये हुआ था एक कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में हुई थी। तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया की थी इंदिरा गांधी थी। तो बेसिकली वहाँ पे जितने भी डेलीब्रेशंस हुए थे वो हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट, पॉवर्टी एंड पोल्यूशन। तो उसके बाद कुछ कुछ लॉज आने लगे इंडिया में, जो 1972 जो ये अर्थ समिट हुई थी, जैसे 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1981 इसका अमेंडमेंट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981। तो और भी जो लॉज आए थे, बेसिकली जो अम्ब्रेला लॉ है यहाँ पे जिसके अंदर सारे एनवायरमेंटल लॉज आते हैं, वो आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो लॉज थे ये आए थे, सबसे पहले आया था लॉ 19 जो वाटर वाला आया था 1974 वाला। उसके बाद ही जितने भी जो पोल्यूशन रिलेटेड एक्ट्स है, चाहे वो एयर वाला हो चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला हो, वो 1974 के ही बाद आया जब वाटर पोल्यूशन एक्ट आया था। तो 1974 और 1986 का जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाना पड़ा इंडिया को, जबकि ऑलरेडी हमारे पास ये सारे एक्ट्स थे रिलेटेड टू एनवायरमेंट, वाटर एयर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जितने एक्ट्स ऑलरेडी थे। तो जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 2 एंड 3 दिसंबर 1984 में, जिसमें भोपाल सिटी में मिथाइल आइसोसाइनेट एंड फॉस जीन जो गैसेस है यूरेनियम कार्बाइड इंडस्ट्री से लीक हुए थे, तो एडजेसेंट एरिया में वहाँ पे डेथ्स हुई थी, इंस्टेंटेनियस डेथ्स, तकरीबन 10,000 डेथ्स हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसपे ये सारा आ जाएगा, सारे जितने भी एनवायरमेंटल एक्ट्स, उसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा विच ऑफ द फ्लो गिवन एक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंट, इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला एक्ट। वहाँ पे हो सकता है 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, नॉर्मली 4 ऑप्शन होती है, जैसे एयर वाला आएगा एक ऑप्शन, फॉरेस्ट वाला, वाइल्ड लाइफ वाला, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको ईपीए भी बोलते हैं, 1986 ये एक्ट आया था। तो इसके बाद कुछ प्रोविजंस आए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल 48A ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो ये 42nd अमेंडमेंट में आया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये स्टेट करता है, ये हमेशा ये दो एक्ट्स जो है इसको डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ये डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। तो ये आर्टिकल 48A बोलता है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेव गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। बेसिकली ये जो लॉ है ये रिलेट है टू द वाइल्ड लाइफ 1972 में जो आया था,
1972 एक्ट, वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट, ये आर्टिकल 48A के अंडर आता है। ये बोलता है कि स्टेट, स्टेट मीन्स कोई भी जो है बॉडी, मतलब जो हम स्टेट बोलते हैं, चाहे डिफरेंट स्टेट्स है, दिल्ली है, यूपी है, और भी डिफरेंट स्टेट्स है, तो उनको ये डायरेक्ट करता है कि आपको ड्यूटी दी गई है कि आप प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे एनवायरनमेंट को, और जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उसको हिफाजत करेंगे, उसको सेफ गार्ड करेंगे, मीन्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन उनको मेजर्स करने पड़ेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स करने पड़ेंगे। इसी लॉ के बेसिस पे इतने डिफरेंट जो नेशनल पार्क्स होती है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है या आपका जो है प्रोटेक्टेड एरिया जो आता है वो इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर आता है। तो ये जब पूरा इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको जब सेफ गार्ड करना हो तो सेफ गार्ड कैसे करेंगे, वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना हो, जैसे टाइगर को सेफ गार्ड करना हो तो उसके लिए डिजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए होंगे। तो ये पूरा एक्ट उस पर इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो डिफरेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। तो उसके अलावा प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, नॉइज, सॉइल पोल्यूशन को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमको लगाने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स चाहे पॉलिसी भी हो सकती है या इंस्ट्रूमेंट कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो इन सब चीज़ों को देख सकता है, जैसे सेंटर में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट्स में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये सारे इंडस्ट्रीज जैसे पोल्यूशन वगैरह क्रिएट करते हैं उनको पूरा मॉनिटर करता है। तो नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आर्टिकल 51A और क्लॉज जी करके, ये स्टेट करता है, ये भी बेसिकली वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के रिलेटेड ही है। तो ये करता है, ये बोलता है आपके लिए बोलूँ, जितने भी लॉज होते हैं इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है ये थोड़ी डिफरेंट होती है, और जब आपको कहीं लिखना होगा ये लॉ, ये वाला कहीं भी आपको लिखना होगा जो इन्वर्टेड कॉमास है, ये एज सच लिखना पड़ेगा इसको, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं चलेगी, इसको आपको पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे ही लिखना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली आपका तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड जो है आर्टिकल 51A क्लॉज जी बोलता है, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले क्लॉज में, पहले आर्टिकल में तो एक स्टेट पे ड्यूटी करता था, मतलब स्टेट को डायरेक्ट करता था, चाहे वो कोई एजेंसी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव एजेंसी हो या जुडिशरी हो, उस पर वो उनको डायरेक्ट करता था। बट यहाँ पे हर किसी सिटीजन, कंट्री के हर सिटीज, हर किसी सिटीजन पे ये ड्यूटी एनफोर्स करता है कि वो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करें नेशनल एनवायरमेंट इससे सर भी। जी, सर यम करियो एलो यम चाहिए शुम करन एलो की है ये तो सर जॉइन क्लास ऑटो एडमिट है, हो गया एडमिट है। ओके सर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर, तो गए सारे। तो पहला वाला जो सर आर्टिकल था ये ड्यूटी एनफोर्स करता था स्टेट पे, जो भी स्टेट में जो केयर टेकर होगा, चाहे सीएम हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या कोई जो है सिटी मेयर वगैरह, उन पे एनफोर्स करता है। बट आर्टिकल 51A क्लॉज जी में ये एनफोर्स ड्यूटी हर किसी सिटीजन, जो रिटर्न सिटीजन हो उस पर ये ड्यूटी है, उसको मैंडेटरी बनाता है कि वो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये
स्टूडेंट्स और कोई है वेटिंग में एडमिट जिनका नहीं हो रहा है? आवाज नहीं आ बाकी सबको आवाज आ रही है? रही, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आती हमें। आप हेडफोन लगा के सुनिए ना, ये मैं यहाँ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक्स्ट्रा माइक लगाई है यहाँ से। हेडफोन तो स्विच बंद अब कीजिए आवाज आ सर, रही है? थोड़ा वही ना जोर बहुत अच्छा ना बोल, नहीं आप हेडफोन क्लियर आ लगा, रही है हेडफोन आवाज? से ठीक ही बोल, असल ये मन चाहा सर हेडफोन ठीक। सिचुएशन ठीक है? हाँ वो स्पीकर जो रखते हैं ना लाउड स्पीकर, उसे थोड़ी जो आवाज कमजोर आती है, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक आपके लिए यहाँ पे यूज किया, तो मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरी आवाज क्लियर जा रही है आपकी यहाँ पे यस सर, मीटिंग में। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें फॉरेस्टर्स आते हैं। फॉरेस्टर्स को कैसे इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे फॉरेस्टर्स में आपको पोल्यूशन वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, लेक्स लेक्स जो नेचुरल लेक्स होंगे उसमें पोल्यूशन वगैरह नहीं करना, जैसे सीवेज वाटर डिस्चार्ज करते हैं, या हम पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं वहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं, रैपर्स होते हैं चिप्स वगैरह के, वो फेंकते थे पानी में, तो वो सब एक्टिविटीज नहीं करनी है। तो अंडर लॉ आप पे वो जुर्माना आयद हो सकता है, यू कैन बी इन कस्टडी, आप अगर पूरा जो लॉ है एनफोर्स हो जाए अगर लॉ के हिसाब से देखेंगे। बट यहाँ पे एनवायरनमेंट को उतना जो है तरजीह नहीं दी जाती है, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बट लॉज पूरे वहाँ पे फ्रेमवर्क उतना पूरा स्ट्रॉन्ग है, आप पे वो जो है फाइन लगा सकते हैं, बट जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो काम नहीं करती सही से। जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट करना है एंड हैव कंपैशन। कंपैशन मीन्स रहमदिली फॉर लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर्स में दोनों आ जाएंगे, चाहे वो वाइल्ड लाइफ होंगे या डोमेस्टिक, या अगर के आसपास जो अर्बन एरियाज में हमारे आसपास जो भी वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कैट्स होंगे, डॉग्स होंगे, बर्ड्स होंगे, उनके लिए रहमदिली, कंपैशन। तो कंपैशन इन व्हाट सेंस? कंपैशन उनको जो है पानी वगैरह जो है गर्मी में पानी देना या खाना वगैरह देना। तो कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पे, एक बंदे ने एक चिड़िया जो है पेड़ पे बांध के उसको वो मार रहा था, उस पर किसी छड़ी से मार रहा था शायद, तो उसको जो है बुक किया गया, ही हैज बीन बुक अंडर द दिस एनवायरमेंटल एक्ट जो आर्टिकल 51A जो है। तो एक तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट इम्प्रूव करेगा, उसके अलावा कंपैशन ऑन लिविंग क्रिएचर्स, ये आपकी जो एक मॉरल ड्यूटी है एंड एज वेल एज इट्स योर जो है लीगल ड्यूटी कि आप इसको प्रमोट करें। तो इसके हिसाब से जो है एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन हमारे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये था बैकग्राउंड कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये तो जो हमारे एनवायरनमेंटल लॉज है उसके अलावा जो आर्टिकल्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाते हैं जो है किसी भी सिटीजन पे, किसी भी स्टेट पे। फिर डिफरेंट जो हमारे पोल्यूशंस है, तो यहाँ पे मैंने एयर पोल्यूशन वाला किया, जिसको हम क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, पहले हम वाटर वाला जो है एक्ट स्टडी करेंगे। तो सेलियंट फीचर्स क्या है? तो वाटर जो एक्ट है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वाटर जो ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, इसको ऐसे ही हमेशा लिखा जाता है और इसको हमेशा ऐसा ही पढ़ा जाता है, वाटर फिर ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो ये जो एक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आया था अंडर आर्टिकल 252 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये एक्ट था। अनलाइक ये जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ये डायरेक्ट आर्टिकल्स है, बट ये जो वाटर वाला जो एक्ट है, ये जो है ये आर्टिकल 252 क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इनेक्ट हुआ था, मीन्स इम्प्लीमेंट हुआ था 23 मार्च 1974, और ये अडॉप्ट हुआ था ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया।
तब जो है जम्मू कश्मीर जो थी स्टेट थी एंड इट वाज इन उसको क्या कहते हैं फुल्ली मर्ज नहीं हुई थी, इट वाज एन ऑटोनॉमस काइंड ऑफ जो स्टेट। तो ये जो एंड जितने भी लॉज थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते थे उस टाइम, जितने भी लॉज पार्लियामेंट में पास होते हैं कई किसी भी टाइम किसी भी स्टेट पे वो उसी टाइम जो इम्प्लीमेंट होते हैं, अनलाइक अनलेस जो है चाहे वो वहाँ की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, बट वो इम्प्लीमेंट होता था। बट जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं होता था, बट नहीं जो फिर उसको फुली मर्ज किया गया इंडियन जो कंट्री के साथ, तो ये सब लॉज अब डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होते हैं फुल फ्लेजली इन ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लॉ हमें बेसिकली जो है बताता है इट प्रोवाइड्स मेंटेन रेस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ वाटर एंड प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन। ये हमें बोलता है ये जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज है चाहे वो लेक्स हो रिवर्स हो नेचुरल स्प्रिंग्स हो उनकी होलसमनेस को प्रोटेक्ट करना। होलसमनेस मीन्स उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है एज जैसे वो नेचुरली एग्जिस्ट होता है उनको उस हिसाब उसी फॉर्म में उसको प्रिवेंट करना। और जो भी पोल्यूशन एक्टिविटीज होती है आजू बाजू इलाके से अगर वहाँ पे सेटलमेंट्स होती है डोमेस्टिक सेटलमेंट्स वहाँ पे सीवेज वाटर आता है उस पोल्यूशन से उसको कंट्रोल करना। तो पोल्यूशन अगर आपको याद है इस एक्ट के हिसाब से पोल्यूशन देखो किसी भी एक्ट में कुछ डेफिनेशंस होती है पहले प्रिलिमिनरी कोई भी एक्ट होता है प्रिलिमिनरी जो भी टर्म्स जो भी वर्ड्स किसी भी एक्ट में मेंशन किए जाते हैं पहले ही चैप्टर में उसका जो है डेफिनेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी पोल्यूशन की डेफिनेशन एक है, दूसरा बंदा आया है दूसरा ऑथर आएगा उसकी पोल्यूशन की डेफिनेशन दूसरी है। तो बट लॉ जब आता है कोर्ट में आप जब जाओगे किसी भी आप अंडर उस एक्ट के अंडर उस पर कोई भी मतलब चार्ज लगाओगे तो वो बोलेगा कि इस लॉ में तो पोल्यूशन की डेफिनेशन ये बोली गई है ये तो मैंने किया ही नहीं ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए इस सब कंफ्यूजन से बचने के लिए लॉ में पहले ही डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन पहले ही दी गई होती है। तो वैसे ही जो पोल्यूशन की डेफिनेशन वाटर पोल्यूशन वाटर एक्ट में कैसे दी गई है, पोल्यूशन इज डिफाइंड एज सच कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कंटामिनेशन ऑफ वाटर होती है और सच ऑल्ट्रेशन ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होगी जिसकी वजह से फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है वाटर की चेंज हो जाएगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर है ऑक्सीजन लेवल उसकी जो है कंसंट्रेशन है, केमिकल जो है जो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है टोटल डिजॉल्वड सॉल्ट्स कितने होंगे उसका पीएच कितना होगा उसकी इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी कितनी होगी। तो ये पूरा जो है नॉर्मल जो वाटर में अगर उसे चेंज हो जाएगा दैट इज देन कॉल्ड पोल्यूशन। फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसमें फेकल कॉलीफॉर्म्स कितने होंगे जो भी फ्रॉम जो बायोलॉजिकल सोर्सेज है चाहे वो ह्यूमन पीसेस से होता है या किसी कोई जानवर मारने की वजह से वो बायोलॉजिकल बैक्टीरिया वगैरह फंगे वगैरह उसमें आ जाते हैं। तो ये सब जो है पोल्यूशन किया जाता है ऑफ वाटर और सच डिस्टर्ब्स एज इट लाइकली टू कॉज न्यूसेंस जिसकी वजह से न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा और वो पानी हार्मफुल हो जाएगा एंड रेंडर द वाटर हार्मफुल और इंजूरियस फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए वो हार्मफुल बनेगा या इंजूरियस बनेगा, हार्मफुल जिसकी वजह से कुछ बायोलॉजिकल डिजीजेस प्रोड्यूस होंगी बॉडीज में या इंजूरीज होंगी एंड सेफ्टी और हार्मफुल फॉर एनी और अदर और टू द एक्वाटिक प्लांट्स। यहाँ पे तो एक ह्यूमंस की भी बात करी यहाँ पे पब्लिक हेल्थ। तो उसके बाद इसके अलावा अगर एक्वाटिक प्लांट्स में भी उसकी वजह से कुछ नुकसान आ जाएगा या एक्वाटिक एनिमल्स जो है लाइफ है उस पर भी कुछ नुकसान आ जाएंगे। तो ये पूरा डिफिनेशन जो है एज पर जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में बताई गई है। इसके बेसिस पे ही फिर डिफरेंट जो पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं कि एक नॉर्मल वाटर में व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ द व्हाट शुड बी द टीडीएस व्हाट शुड बी द पीएच व्हाट शुड बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
और अदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? एनवायरमेंटल, ये जो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। पहले प्रिवेंट करना, पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि पोल्यूशन हो ही ना। अब अगर हो रहा है उसका कंट्रोल करना, अगर अब कंट्रोल भी नहीं कर सकते उसको कम कैसे कर सकते हो वाटर पोल्यूशन को। अब ये जो एजेंसीज होती है यहाँ पे मेजर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इस सब चीज़ की जो है निगरानी करते हैं। चाहे वो इंडस्ट्रीज में जाके विजिट वगैरह करते हैं, वहाँ पे देखते हैं उनका जो जो है पोल्यूशन कितना लोड है, जो पानी को डिस्चार्ज करते हैं इन टू द वाटर बॉडीज, रिसीविंग वाटर बॉडीज। दैट ऑल्सो एम्स टू रेस्टोरेशन होलसमनेस ऑफ वाटर, जो भी वाटर बॉडीज है उनका जो है रेस्टोरेशन करना, चाहे वो जैसे रिवर्स है, रिवर्स के बैड दोनों साइड है उसको रेस्टोर करना। बेसिकली रिवर बैड्स में भी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ पे लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो उसको रेस्टोर करना। उसके अलावा जो लेक्स वगैरह हैं उनकी रेस्टोरेशन के लिए, अगर जब आप देख सकते हैं डल लेक फिर फेंसिंग वगैरह लगाई है ताकि उसका एनक्रोचमेंट ना हो, एक दो दो तीन साइड से उसका एनक्रोचमेंट ना हो, तो वो सब जो है उसका जितना भी उसका एरिया है उसको प्रोटेक्ट करें। द वाटर एक्ट इज डिजाइन टू असेस पोल्यूशन लेवल्स एंड पनिश द पोल्यूटर्स। यहाँ पे पहले असेस करना पोल्यूशन, व्हाट इज द पोल्यूशन लोड। जहाँ पे हमने कहा कि जब हम पोल्यूशन डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर्स हम बनाते हैं कि एक परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर्स, चाहे वो फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं फीकल कॉलिफॉर्म्स, उनकी कितनी होनी चाहिए, एक 100 ml में उनकी कितनी नंबर्स होनी चाहिए, तो ये सब हम पहले ही डिफरेंट पैरामीटर्स को पहले ही बनाते हैं। उसके बेसिस पे जब हम कहीं पे सैंपल लेते हैं किसी भी वाटर का, तो हम असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि उसका जो पोल्यूशन लोड कितना है। अगर उसका पोल्यूशन लोड ज़्यादा है तो जो पोल्यूट करते हैं, जो लोग पोल्यूट करते हैं उनको हम पनिश करते हैं, पनिश इन द फॉर्म ऑफ उनको कस्टडी में ले सकते हैं एंड उनको हम जो है क्या बोलते हैं उसको फाइन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स टू मॉनिटर वाटर पोल्यूशन। तो मैंने कहा कि सेंट्रल लेवल पे एक नोडल एजेंसी होती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को मॉनिटर करती है, डायरेक्ट करती है कि वो अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में जो भी पोल्यूशन रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करें, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो रही हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रही हो, कमर्शियल लेवल पे हो रही हो, उनको मॉनिटर करें। तो मॉनिटर कैसे करते हैं, वो फ्रीक्वेंट विजिट्स करते हैं इन इंडस्ट्रीज, वहाँ पे देखते हैं कि कितना पोल्यूशन जो उनका वाटर है उसमें कितना पोल्यूशन कंटेंट है। तो इससे मैं एक आपको बताता हूँ कि आई वॉज जब मैं मास्टर्स पीजी कर रहा था तो हम चले गए थे सैम्पलिंग लेने, बेसिकली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे। जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया। बस उनको पता था कि हम सैंपलिंग पे जो है डिफरेंट पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे कितना है, तो वो फिर पब्लिश हो जाता है डेटा, पब्लिश इन रिसर्च पेपर्स, तो उनकी जो है बदनामी हो सकती है। तो वो हिचकिचाए फिर ऐसे नेगोशिएशन करके थोड़ा सा उन्होंने सैंपल दिया, बट आई थिंक दैट वाज डाइल्यूटेड, उन्होंने उसमें जो है साफ पानी डाला था ताकि जो पोल्यूटेंट्स की कंसनट्रेशन है डिक्रीज हो जाए। तो एज सच अगर गवर्नमेंट बॉडीज होंगी कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले होते हैं, वो कभी भी जा सकते हैं विदाउट द परमिशन, वो कभी भी वहाँ से सैंपल ले सकते हैं। द वाटर एक्ट ऑफ 1974 अमेंडमेंट्स, इसकी अमेंडमेंट्स भी हुई है। जैसे ये जो 1974 में आया था तब जाके कंडीशंस कुछ और थी, फिर धीरे धीरे जब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने लगी, ऑर्गेनाइजेशन होने लगी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ी वाटर में। उसकी अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, तो उसमें मोर देन 60 सेक्शंस जो है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को ऐड किया गया।
तो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर दिस एक्ट फॉर प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। तो इसमें जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनको क्या क्या पावर्स दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर? वो क्या कर सकते हैं? वाटर सैंपलिंग और एनालिसिस ले सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री से सैंपल्स ले सकते हैं फॉर एनालिसिस। तो गवर्न कर सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। गवर्नस मीन्स कि वो बता सकते हैं कि किस रेसिडिंग वाटर बॉडी में कितना पानी हम डाल सकते हैं वेस्ट वाटर। ट्रेड एफ्लुएंट्स एफ्लुएंट्स भेज सकते हैं, जैसे मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो है वेस्ट वाटर भेजते हैं। बेसिकली बहुत सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्री से वेस्ट वाटर खरीदती है, तो उसको यूज़ करती है फॉर इरिगेशन या डिफरेंट एक्टिविटीज में। जैसे इंडिया भी या अदर डेवलपिंग कंट्री स्क्रैप खरीदती है डिफरेंट, जो ऑस्ट्रेलिया से या यूरोपियन कंट्री से वहाँ से स्क्रैप खरीदती है। बेसिकली वो वेस्ट खरीदती है यहाँ पे डंप करने के लिए, तो उनको पैसा मिलता है। ये इस सब ऐसा ट्रेड को वो है कंट्रोल करने। स्टडी और इंस्पेक्ट अपील्स, कोई भी अपील करता है, चाहे आप लोकल हो, PIL डालते हैं कोर्ट वगैरह में, या आप डायरेक्टली जाते हो यहाँ पे किस बोर्ड में कि आप बताते हो कि फलानी एरिया में इतना पोल्यूशन है, तो वो इंस्पेक्ट करते हैं उस एरिया को, स्टडी करते हैं। तो ये पावर्स उनके पास है। रिविजन ऑफ पॉलिसीज, अब ये गवर्नमेंट को भी कुछ डायरेक्ट करते हैं कि ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, आप इन पॉलिसीज में भी थोड़ा सा सुधार कीजिए, तो आगे जाके और भी ये जो है लॉ और भी जो है अच्छा बनेगा, अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टीज, यानी पेनल्टीज को जो है फ्रेम करना, किस जो है मकदार में अगर जो है वायलेशन की है तो पेनल्टी कितनी होगी। पब्लिकेशन ऑफ नेम्स एंड ऑफेंडर्स, जो पेपर्स में आता है या न्यूज़ में आता है, वेबसाइट्स पे आता है, जो भी ऑफेंडर होता है, जो भी लॉ को तोड़ता है, अबाइड नहीं करता है, तो उनका जो है पब्लिकेशन जो है उनका नाम पब्लिक में डालता है। जैसे जेके बैंक जो होता है, अगर कोई नॉन प्रॉफिटिंग अकाउंट हुआ तो जो लोन वगैरह रिसीव नहीं करता है, तो उनका जो है नाम पेपर में आता है। दे आर मतलब उनके पास पावर्स है वो सब करने के। तो यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास भी पावर्स होते हैं, अगर कोई ऑफेंड करता है लॉ को तो वो पब्लिक जो है न्यूज़ पेपर्स में भी देख सकते हैं। ऑफेंसेस बाई कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो भी कंपनीज है चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंटल हो, उनकी जो ऑफेंसेस है उसको भी देखना कि वो ज़रा जो है लॉ को जो पूरा जो है फॉलो करते हैं कि नहीं करते। एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज वाटर टेस्टिंग लेबॉरटरीज एंड स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर्स। अब इसके अंदर वाटर टेस्टिंग लेबॉरटरीज भी बनानी है और उनकी जो है उसको स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं, एक्रीडेशन बोलते हैं। मीन्स कि अब मैं खोलूंगा घर में वाटर टेस्टिंग लैब, मैं बताऊंगा मैंने लैब में वाटर टेस्टिंग किया और किसी को सर्टिफिकेट दे दिया आपने सही, बट वो वाटर टेस्टिंग लैब जो होती है रिकॉग्नाइज होनी चाहिए विद बोर्ड, तभी जाके वो आगे जाके वो वैलिड होती है। तो एक तो वाटर टेस्टिंग लैब्स को बनाना, रिकॉग्नाइज करना, उनको स्टैंडर्डाइज करना और एक्रीडेट करना, ये भी उनका जो है पावर है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास। तो उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव्स में प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल इज अचीव परमिट और कंसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। तो ये थोड़ा सा और भी है इसमें, ये परमिट देना या कंसेंट देना कि वो कितना पोल्यूशन वगैरह जो है वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो उसके बाद डिस्चार्जिंग एपिलेटस इज परमिटेड बाय ऑब्टेनिंग कंसेंट फर्स्ट। अब जो स्टेट बोर्ड्स है उसमें एपिलेट्स जब डिस्चार्ज करते हैं वेस्ट वाटर, तो वो कर ओनली बाय द कंसेंट ऑफ द बोर्ड्स, जो स्टेट वाटर बोर्ड्स होते हैं उनकी कंसेंट के बगैर ये नहीं किया जा सकता है, वेस्ट वाटर हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो ये था आपका। इसके बाद 1977 में सेस एक्ट आया था, ये बेसिकली जो है इंडस्ट्रीज वगैरह पे जो टैक्सेस वगैरह लगाते हैं, वो जो पानी यूज़ करते हैं उसके बारे में, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे। तो ये बेसिकली ऑब्टेन टू एनी कंज्यूमिंग वाटर टू हैव पे सेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूज, जितना वो पानी यूज़ करते हैं उनके हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ेगा। एक तो पोल्यूशन जो है वाटर पोल्यूशन कम करना पड़ेगा और यूजेज जितनी करेंगे उतना उनको टैक्स भी देना पड़ेगा।
उसके हिसाब से जो भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो कूलिंग या स्प्रेइंग या माइनिंग वगैरह पिक्स में या बॉयलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं उनके, उस पे सेक्स ये सेस लगाना, या डोमेस्टिक पर्पस जो है आपके घर में बिल्स वगैरह आती है तो उस पे जो टैक्स लगता है, किस हिसाब से लगा, कितना यूजेज किया आपने, उस हिसाब से उस पे टैक्स लगाना। प्रोसेसिंग पोल्यूटेंट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल वाटर, स्लॉटर हाउस है, जैसे स्लॉटर हाउसेस होते हैं ना जो दवा खाने हैं, वहाँ से भी बहुत सारा जो पानी निकलता है गंदा पानी, उस पर भी सेस लगाना। तो अदर जो टैनरीज वगैरह होते हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिक प्लेटिंग इंडस्ट्रीज है, तो उन पर भी सेस लगाना। तो इंडस्ट्री दैट जिन्होंने अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए, तो उनमें जो इफ्लेट्स वेस्ट वाटर जो निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने इसलिए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए, उनको 70% रिबेट मिलता है, मीन्स उनको 70% टैक्स कम देना पड़ता है ऑन द यूजेज ऑफ वाटर। तो ये था दो चीज़ें वाटर के रिलेटेड। तो आज फ्राइडे है तो आई वुड लाइक टू स्टॉप यू हियर। अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, वो अभी रेज कर सकता है।